Hello friends, welcome to easyfoodmaking.com. आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पूरी। आम की पूरियाँ यूजली सभी को बहुत पसंद आती हैं और खासकर जिनको आम पसंद है उन्हें ये ज़रूर पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंगो पूरी बनाने के लिए हमने ये 2 कटोरी आटा ले रखा है, गेहूं का आटा। ये 1/2 कटोरी हमने मैंगो पल्प निकाल लिया है। इसको निकालने में हमने 1 चम्मच मिल्क का यूज़ किया है। मिल्क ऑप्शनल है, आप यूज़ कीजिए ना कीजिए। ये 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, 1 बड़े चम्मच देसी घी गाय का। तो सबसे पहले हम डो बना लेते हैं आटे का। सबसे पहले घी डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। घी को हमने मिला लिया अच्छे से। अब हम इसमें ये शुगर भी डाल देंगे। इसको भी मिला लेंगे। अब हम ये मैंगो पल्प भी पूरा डाल लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि पूड़ी का आटा थोड़ा टाइट ही लगाना है हमको। हमने सारे आटे को अच्छे से मिक्स करके टाइट डो बना लिया है। थोड़ा सा इसमें मिल्क लगा के चारों तरफ 1 चम्मच के आसपास अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। ये हमने पूड़ी का आटा तैयार कर लिया है। हाथ पे थोड़ा सा घी लगाएंगे, चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे। और 10 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। उसके बाद हम इसकी पूड़ियाँ बनाएंगे। ढक के रख देते हैं एक साइड। हम इनकी एक लोइयाँ बना लेते हैं। हमने ऑयल गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है। हम कुछ पूड़ियाँ बेल लेते हैं, उसके बाद इनको तलेंगे। कुछ इस तरह से लोइयाँ बनानी है, इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। इनको बेल लेते हैं, थोड़ा सा घी बेलन पे लगा लेंगे, थोड़ा सा इस पे। पूड़ियों को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, मीडियम ही रहे। इस तरह से, इसी तरह से हम अब सारी पूड़ियाँ बेल लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, हम एक बार थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं। ये आटा ऊपर आ रहा है, ऑयल रेडी है। हमने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। घी में तलें तो पूड़ियाँ और भी टेस्टी लगेंगी। अब हम इसमें पूड़ियाँ डालते हैं। गैस फुल रखेंगे। इसी तरह से हम सारी पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। इसके बाद हम सर्व करेंगे पूड़ियों को। ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ तैयार है। हमने 4 लोगों के लिए आटा लगाया था, ये हमने 4 पूड़ियाँ सर्व की है। बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनी है। हमने इनको मैंगो पिकल्स और मैंगो पके हुए आम के साथ प्रेजेंट किया है। आप किसी भी सब्जी और किसी भी चटनी या अचार के साथ आप खा सकते हैं। आई होप आपको ये पूड़ियाँ पसंद आएंगी। अगर आपको ये पूड़ियाँ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।